बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशो खुरम होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे रखे। आज मैं बना रही हूँ कोरमा, मटन कोरमा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गोश्त ले लिया है, अच्छी तरह धोकर उसको नुचड़ने के लिए रख दिया है और वो नुचड़ भी चुका है। इसके अलावा इन्ग्रीडियंट्स में प्याज काट ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बना लिया है, दही ले ली है फेंट लिया है, हसबे जायका नमक, हसबे जायका मिर्च, थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ और हल्दी पाउडर ले ली है। इसके अलावा घी रख दिया है गरम होने के लिए। अब हम इसमें प्याज डालकर फ्राई करें। प्याज ब्राउन हो रही है, हम इसको सुनहरा सा करेंगे और इसको निकाल लेंगे बाहर ऑयल से। देखिए प्याज सुनहरी हो गया है और हमने इसको ऐसे एक कागज़ पर फैला दिया है ताकि इसका ऑयल जो है वो जज्ब हो जाए और फिर ये कुरकुरी हो जाएगी और बहुत आसानी से ये चूरा हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हमने क्या करना है। ब्राउन करके हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास जो ऑयल बचा है इसमें हम डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको फ्राई करेंगे कुछ देर। इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये हमने एक से दो मिनट हमने इसको चला लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको तीन से चार मिनट फ्राई करेंगे गोश्त की रंगत बदलने तक। प्याज को हम इस तरीके से ऐसे हाथों से मल के चूरा कर लेंगे। ये जस्ट हो चुका है इसका ऑयल क्योंकि हमने इसको कागज़ पर फैला दिया था, तो ये बहुत ही आसानी से जो है वो चूरा हो जाएगी। आप देख सकते हैं कुरकुरी हो चुकी है प्याज और ये चूरा हो गई है आराम से। ये देखिए प्याज चूरा हो चुकी है। अब हम इसको दही में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। प्याज मिक्स कर ली, गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। हमने इसमें मसाले शामिल कर दिए हैं, थोड़ा सा चम्मच बनाएंगे। जो पिसा हुआ गरम मसाला था उसमें जायफल जावित्री शामिल थी, इसी की वजह से कोरमे में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ भी पिसी हुई थी इसमें, जिसकी वजह से कोरमे की खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब हम जो हमारे पास मौजूद है अमेजा दही और प्याज का, ये अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू उठ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार कोरमा तैयार हो चुका है। जल्दी से बनाकर खा लीजिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। यकीनन अच्छा लगा होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।